हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टू द ब्लॉग्स और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपना बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। आज हम सुबह से ही कहीं गए हुए थे बहुत ज़रूरी काम से, दोपहर में हम लोग गए थे और अभी मैं 6 बजने जा रहा हूँ। इतने देर बाद हम लोग, वाशु को लग गई थी भूख, मैंने उसको यहाँ पे चोकोस और दूध दिया हुआ है और मैंने हाथ पर मुँह धुल लिया, फ्रेश हो गई हूँ। अब जा रही हूँ पहले दिया जलाने, उसके बाद फिर बनाऊँगी खाना। आज तो मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं किया, कोई भी नहीं, पता नहीं क्या होगा, मेरा व्लॉगिंग कंप्लीट होगा या नहीं, लेकिन चलती हूँ पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। मेरी पूजा जो है वो हो गई है, सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत दिनों बाद धूप जला रही हूँ, खत्म हो गया था, कुछ नहीं है, बस चलती हूँ किचन में जल्दी से, बस पहले बना लेती हूँ। मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैं करके गई थी। ये दाल मैंने बना दिया था, आलू, ये भिंडी कट किया था, आलू कट किया था, प्याज, मिर्च, लहसुन भी, और ये धनिया की पत्ती, टमाटर सब धुल के रख दिया था। उसके बाद मुझे जाना पड़ा तो इसी तरीके से पड़ा है, चल रही जल्दी से बना लूंगी। आज वाशु ने ही बोला था कि मम्मा लेडी फिंगर बनाइएगा और जैसे फ्राई करके दाल बनाती है वैसे बनाइएगा, तो मैं चल रही हूँ चावल, दाल तो बनाई है, चावल और सब्जी बनाने और दाल फ्राई करने। उसके बाद मैं गई किचन में, सब्जी बनाया, दाल फ्राई किया, लेकिन कुछ भी शूट नहीं किया, बिल्कुल ही हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, थक गई थी ना, तो जल्दी जल्दी बस मैं सोच रही थी कि करके हटूं। और ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है, वाशु को स्कूल ले जाना था मुझे, तो मैं उसका वही ब्रेकफास्ट जो है और लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही थी। मैं वाशु को स्कूल से छोड़ करके आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर के काम करने। तो चलिए मैं आज आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ कि मैं क्या। अब ठंडियाँ अच्छी खासी स्टार्ट हो गई हैं, तो अब उस वाले जो पतला वाला बेडशीट होता है ना वुलन, उससे काम नहीं चलेगा, अब इससे काम चलेगा। तो इसको मैं क्या करती हूँ, धूप में डाल देती हूँ आज अच्छे से, ताकि जो भी इतने दिनों से रखा हुआ था वो सही हो जाए। वैसे मैंने पिछली बार ही वॉश इसको करा दिया था, तो इस बार मुझे वॉश की ज़रूरत नहीं है, बस धूप में डाल देती हूँ, इतने से काम मेरा हो जाएगा। ब्लैंकेट जो है मैंने बाहर डाल दिया है, अब अंदर आ करके जो सामान फैला हुआ है सारा वो सब मैं इकट्ठा कर लूँगी, कपड़े वगैरह जो है वो भी फोल्ड कर लूँगी। और देखिए जब से मैंने सोफ़ा लिया था ना तब से मैं सोच रही थी कि इस पे कवर डालूँगी, लेकिन कवर मैं लेने जा ही नहीं पा रही हूँ, मैं अभी तक उधर नहीं गई जिधर पर सारा इसका कवर मिलता है, उसके बाद से एक बार भी नहीं गई। और जल्दी जल्दी जो है सारे काम कर लूँगी, लेकिन इतना जल्दी नहीं करती हूँ क्योंकि ये वीडियो तो फास्ट फॉरवर्ड में है तो आप सभी को जल्दी जल्दी दिखेगा, लेकिन काम तो स्लो में ही होता है और जितना टाइम लगता है उतना ही लगता है। फिर उसके बाद मैं आगे किचन में जो है वो भी साफ़ सफाई मैं कर लूँगी और उसके बाद जो है सारे बर्तन भी मैं वॉश कर लूँगी। ये ठंड में पहनने वाला जो स्लीपर है उसको भी मैंने निकाल दिया है, ये है मेरा और ये है वाशु का, इसको वॉश करके मैं रख दूंगी ना तो सूख जाएगा, फिर पहनने के काम आएगा। ये हो गया है वॉश, होप सो कि शाम तक सूख जाए। अब मैं नहा करके आप सभी से मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी वाशु को स्कूल से लाने के लिए और ये देखिए ठंडियाँ आ गई है ना, तो ये मैंने निकाल दिया, ये मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और लॉन्ग में है, इसको कुर्ती पे भी पहन सकते हैं और जींस वगैरह पे भी पहन सकते हैं, लॉन्ग स्ट्रक टाइप सा है, फ्रंट से ओपन है, काफ़ी अच्छा लगता है। ये ठंडी है, धूप भी है, तो मैंने कहा कि इसको निकाल लेती हूँ। और ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद है और ये मैंने लिया था 7-8 महीने पहले और काफ़ी महंगा भी मिला था, मुझे लग रहा है कि रेट ज़्यादा इसका लग गया, इतने में नहीं होना चाहिए था, बट क्या करेंगे, अगर आप कहीं जाते हैं ब्रांड में तो आपको चीज़ें महंगी ही मिलती हैं, इसलिए मैं अपना नहीं लेती हूँ, जल्दी वाशु का ले लेती हूँ, अपना नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर कोई बाय द वे मुझे पसंद आ गया तो ऐसे ले लेती हूँ, एक या दो सिर्फ। अच्छा हाँ, ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, शादियों का सीज़न आ गया है, चल रहा है, कहीं हमें पार्टी में जाना रहता है फिर हमारे घर की शादी होती है तो हम सोचते हैं कि सब हमें ही नोटिस करें। पहला तो ये कि आप अच्छे अगर दिख रहे हैं, आपका ड्रेस अच्छा है तो फिर नोटिस करते हैं आपको लोग, या फिर अगर बहुत अच्छी जहाँ से आप जा रहे हैं ना वहाँ से अगर फ्रेग्रेंस अच्छी जाए तो लोग आपको नोटिस करते हैं, या आपने भी नोटिस किया होगा कि अगर फ्रेग्रेंस अच्छी जाती है ना तो लोग एक बार ज़रूर नोटिस करते हैं, है ना। मैं बहुत टाइम से न्यूड का जो एओडी परफ्यूम आता है वुमेन का, वो मैं यूज़ करती हूँ, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये पॉकेट फ्रेंडली होता है, बहुत छोटा सा होता है और पूरे घर में मेरे सबको बहुत पसंद है। मैंने मेन वाला भी मंगवाया था, वुमेन वाला भी मंगवाया था और दोनों के ही इतने अच्छे स्टॉक, मतलब कि एकदम पॉकेट फ्रेंडली और इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, अलग अलग आपको 6 मिलते हैं उसमें,
और अलग अलग मूड के हिसाब से आप अपना यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पार्टी में जा रहे हैं, कहीं आप उसमें मीटिंग में जा रहे हैं, मूड के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सीरियसली गाइज, आप एक बार, सिर्फ एक बार मंगवा के देखिए, एक बार यूज़ करके देखिए। अगर आप ना फैन हो गए ना, तो फिर आप बोलिएगा। इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, मैं तो बार बार बोल रही हूँ यार, क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ। मैं आपको दिखा दे रही हूँ अभी मेरा कितना बचा हुआ है। आप सबको पता है कि मैं अकेले यूज़ करती नहीं हूँ, मेरी सिस्टर्स भी यूज़ करती हैं। तो अभी सिर्फ मेरे पास स्टनर बचा हुआ और एक और बचा हुआ है जो कि मैंने रखा हुआ है। अब इसमें भी बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, और क्या इसकी फ्रेग्रेंस है। सीरियसली बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि 2000-4000 का है, आपको सोचना पड़े। बहुत ही बजटेड है ये। तो थोड़ा सा चलिए मैं इसके बारे में आप सभी को बता देती हूँ। ये न्यूड का लग्जरी योदी परफ्यूम्स फॉर वुमेन्स, ये इंडिया का पहला सुपर लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम है जो कि स्टे करेगा मोर देन 8 आवर्स लॉन्ग, बिकॉज ये परफ्यूम बना हुआ है सीपी टेक्नोलॉजी के साथ। पहली फ्रेग्रेंस है टाइमलेस, खास बना है आपके एवरीडे यूज के लिए। जितनी भी इसमें बॉटल्स है ना, वो सारी 10 ml की है, और 36 months तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके की स्प्रे बॉटल में आती है, पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत छोटू सा और बहुत ही क्यूट। दूसरी फ्रेग्रेंस है हिप्नोटाइज, आपके हर जगह फर्स्ट इंप्रेशन को खास बना सके। आफ्टर ऑल फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तीसरी फ्रेग्रेंस है मेजेस्टिक, जो खास बनी हुई है उन दिनों के लिए जब आपको थोड़ा अपलिफ्टमेंट की जरूरत हो, ये आपके मूड को झट से ठीक कर देगा। अब आते हैं चौथे परफ्यूम पे, यानी कि स्टनर। तो किसे अच्छा नहीं लगता कि जब आप कहीं जाएं और सारे लोगों की नजर आप पे ही हो, और ये परफ्यूम ऐसे ही होने में आपके साथ देगा। ये है हमारा पांचवा परफ्यूम, यानी कि सल्ट्री, जो आपके स्पेशल ओकेशन यानी कि डेट्स एंड रोमांटिक डिनर को खास बनाएगा। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये है मैग्नेट, जो बना हुआ है उन दिनों के लिए जब आप अपना स्टैंड लेना चाहते हैं या कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, जो कि आपको फियरलेस बनाने के साथ साथ आपको कॉन्फिडेंस। इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शादी का सीजन चल रहा है, अगर आप 6 उसमें मंगाएंगे ना, एक आपकी मम्मी ने, एक आपने अपनी मम्मी को दे दिया, एक खुद रख लिया, एक भाई को दे दिया, एक बहन को दे दिया, कोई टेंशन नहीं, अपना अकेले लगाओ, जितना मन करे उतना लगाओ। तो बहुत अच्छा परफ्यूम है, आप एक बार मंगा के जरूर देखिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक जरूर कर लीजिएगा। और ये देखिए, जब से ये आया था ना, मैंने इसको चार्ज में नहीं लगाया हुआ था, आज मैं इसको फर्स्ट टाइम चार्ज में लगा रही हूँ, और ये 27% ही हुआ है। तो इसको अभी रहने देते हैं, चार्ज होने देते हैं। और आज मुझे फिर से जाना है एक जगह काम से। आजकल मैं वीडियो तो बहुत ही कम बना पा रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि मैं प्रॉपर वीडियो बना भी पाऊंगी। कोशिश करूंगी, मेरा ये काम है तो कोशिश तो करूंगी ही करूंगी, लेकिन आजकल डेली ही मुझे काम से जाना पड़ रहा है। मैं अभी आप सबके साथ शेयर नहीं कर सकती, कुछ दिन का मुझे टाइम दीजिए, सारी चीज़ें सब कुछ शेयर करूंगी। मैं वैसे भी, मेरे पेट में बात पचती नहीं है जब तक मैं आप सबसे बता नहीं लेती हूँ, तो बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद फिर आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। और आज मम्मी जो है वो निकी को दिखाने जाएंगी, तो देखिए आज हो सकता है डेट फाइनल हो, उसके ऑपरेशन का मंडे है आज, तो देखते हैं क्या होता है, कब तक डेट फाइनल होता है। अब फ़ोन करूंगी मैं, अभी तो गई ही होंगी, 12 o'clock उससे ज़्यादा हो गए हैं, मैं वाशो को स्कूल लेने जा रही हूँ ना, 12:15 हो गए हैं, तो मैं 2-3 बजे के आसपास में करूंगी कॉल, फिर पूछूंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब तक डेट पड़ा है, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, उसका भी ऑपरेशन वगैरह, क्योंकि अब चीज़ें जो भी होंगी सब जल्दी जल्दी इधर पर भी होंगी, इसी वजह से मैं उस काम से ही निकल रही हूँ, बार बार आ जा रही हूँ, और बच्चे का भी उस पर देखना, सब कुछ करना। तो देख लीजिए, मैंने ये पहन लिया और पूरा एकदम लॉन्ग आता है यहाँ तक, मैं तो भी फुल अच्छे से नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन चलिए आप सबको आइडिया हो गया होगा। और मैंने कहाँ से मंगवाया था, फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, उस टाइम मैंने वीडियो बनाया भी था, अब इस टाइम तो पता नहीं मैं लिंक दे पाऊँगी या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी सर्च कर लेंगे रेडिश टाइप सा कुछ शर्ट डाल के, तो मे भी हो सकता है कि आ जाए। आशु की मैम अभी पढ़ा करके गई हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ा रही हैं, बस यही है कि वो भी यही बोल रही थी कि इतना ऊपर आना जाना, देखिए अगर मैं आ पाई तो आऊँगी, अदरवाइज एक महीने बाद छोड़ दूँगी, देखते हैं क्या होता है। इस लड़की का ना बार बार टीचर चेंज करना पड़ रहा है इस लड़की का मुझे। और बाहर मैंने वो डाला था ना ब्लैंकेट, वो भी लेते आऊँ, और अब ठंडी वाकई में बहुत ज़्यादा वाली स्टार्ट हो गई, मुझे रूम में ठंडी लग रही है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको लेते जाओ, पहले इसको ना थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा। मेरे हाथ दुखने लगे, मैं इसको नहीं वो कर पा रही हूँ, इसमें से ना थोड़ा थोड़ा डस्ट निकल रहा है, बहुत ज़रा ज़रा सा हाथ दुखने लगा, आए क्या करूँ मैं, बहुत तेज से दुखने लगा मेरा हाथ। आशु, घर में मेरे एक ही लड़का है, और ये लड़कों का काम ही, मेरा काम नहीं है। आजो इसको ले जाओ बाहर, और इसको अच्छे से पटक पटक खिलाओ ताकि इसमें से जो भी डस्ट है निकल जाए। ले गया तुम्हारा, तुम कर लोगे
बस बस बस, वो जितना तुम करोगे नहीं उससे ज्यादा गिरा दोगे, देखो जरा इसको, जितना करोगे नहीं उससे ज्यादा और गंदा कर दोगे। अब मेरे बस का नहीं है, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती। एक काम करूंगी, कल इसको फिर से वापस धूप में डालूंगी एक बार, और ना इसको रेलिंग पे रख के और किसी चीज से अच्छे से ऐसे ऐसे करके कर दूंगी, थोड़ा बहुत तो निकलेगा, वैसे ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डस्ट है, मैंने सोचा निकल जाए, बाहर मैंने डाला था तो वो भी तो डस्ट आया होगा ना, लेकिन नहीं निकला, हाथ दुखने लगा। फाइनली हमारा इस साल ठंड का पहला ये दिन होगा जिस दिन हम लोग ब्लैंकेट ओढ़ेंगे। ये पहला दिन है इस ठंड का जिसमें हम ये ब्लैंकेट ओढ़ेंगे। मैं तो रोज होता हूं। ये वाला नहीं होता है, वो वाला होता है, वो पतला वाला। हाँ पतला वाला, और ज्यादा ठंडी लगी तभी मैं इसको ओढ़ूंगा। हाँ मैं तो नहीं, अब ठंडी लग रही है, अब पता है अभी मैं क्या करूंगी, देखती हूँ आज निकालती है कल निकालती है, शॉल निकालना है क्योंकि इस टाइम ठंड बहुत ज्यादा मुझे लग रही है, सॉक्स सारे निकालने हैं, वो वाला मैंने जो सॉफ्ट वाला स्लीपर है ना अंदर पहनने वाला वो मैंने वॉश कर दिया है तो कल वो भी सूख जाएगा, तो अंदर फर्श जो है एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में। और मैंने जो सॉक्स मम्मा से खरीदवाया था वो भी है, अगर छोटे हो गए होंगे तो वो पहन लूंगा। सबसे अच्छा वो मुझे पांडा वाला लगा, पांडा अभी उसमें के कई सारे हैं पड़े हुए हैं वो बॉक्स में शायद होगा। पांडे जी वाला सिटी बजाने वाला गाना है ना, मैं उसको ऐसे कर दिया, बजावे आए पांडा जी सिंटी। पांडा जी सिंटी, चलो पांडा जी सिंटी को बजाते हैं सिंटी, चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में और यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ सब्जी, और आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोभी और टमाटर की सब्जी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि मसाले मैं बहुत कम डालूंगी, तो लेकिन मैं आप सभी के साथ में आगे शेयर करूंगी कि किस तरीके से बना रही हूँ और काफ़ी अच्छा बना था। गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है और उसमें पानी डाल के गोभी जो है उसको पहले बॉईल कर लूँगी और उसके बाद वापस से थोड़ा सा ऑयल डाल के गोभी फ्राई कर लूँगी और साथ ही साथ आलू भी फ्राई कर लूँगी। वापस मैंने ऑयल डाला थोड़ा सा उसमें, लहसुन प्याज मिर्चा उसको भून लूँगी, और टमाटर धनिया की पत्ती मैंने ज़्यादा डाला है, क्यों, क्योंकि मसाले में बहुत कम डाल रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं, हल्दी नमक और बिल्कुल थोड़ा सा मसाला इसमें ऐड करके पानी ऐड कर दिया और मसाले जो है वो अच्छे तरीके से भून लूँगी और इसमें वापस गोभी और आलू ऐड करके और जितने की पानी की ज़रूरत है उतना पानी ऐड कर दूँगी और ढक दूँगी और इसको पकने दूँगी। तो हमारा खाना पीना हो चुका है, भूल गई, मुझे याद ही नहीं आया कि मैं खाने का दिखाऊँ कैसा बना है, लेकिन बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल कम मसाले में मैंने पहली बार मतलब इतने कम मसाले में बनाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वाशु तुमको कैसा लगा? बहुत अच्छा, अच्छा लगा ना, वाशु को भी बहुत पसंद आया। सबसे पहले मैं आप सबको हेल्थ अपडेट दे दूं कि मम्मी गई थी निक्की का दिखाने के लिए, तो दो दिन के बाद का डेट निकला हुआ है उसके ऑपरेशन का, तो दो दिन बाद उसका ऑपरेशन होगा, जैसे एक एम्स तो दिल्ली में है और एक एम्स हमारे उधर भी है गोरखपुर में, तो वहीं पे उसका ऑपरेशन होगा। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए, आप सब भी दुआ कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद मम्मी का भी करवाना है, मम्मी का भी थोड़ा सा नॉर्मल है तो मम्मी कुछ टाइम रुक करके करवाएंगी। मैंने जो भी वीडियोज इस बीच बनाई वापस से फिर मैं शांत हो गई, क्योंकि चीज़ें ऐसे ही होती हैं कि जब मैं थोड़ा सा वो होती हूँ कि अच्छा ठीक है चलो आप सभी से शेयर करूँ, उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से मैं आगे स्टॉप हो जाती हूँ, फिर शेयर ही नहीं करती। तो कुछ लोगों ने, अब इसको मैं पॉजिटिव वे में ही लूँगी, मैं निगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लूँगी, लेकिन निगेटिव वे में ही कहने का मतलब था कि व्यूज़ के लिए ऐसा कर रही है और इस महीने तो लाखों रुपये उसने कमाए होंगे, तो बस व्यूज़ के लिए कर रही हूँ, लाखों रुपये कमाए होंगे, लाखों रुपये कमाए होंगे, किसी का नाम नहीं लिया जाता बिटू। अच्छा, हम अपने व्लॉग में है ना, ये 1 लाख 2 लाख ऐसे, तो अभी हम लोग वीवर 60 तक शूट कर रहे हैं, अभी तो वो आईफोन से शूट कर रहे होते, तब बताओ आईफोन से शूट कर रहे होते, व्यूज के लिए ऐसा कर रही है तो ऐसा नहीं है। अगर व्यूज के लिए ऐसा होता तो आप सबने बहुत बार पूछा कि घर कहाँ है, जॉब क्या है, तो मैं ये कंटिन्यू ही लेके चलती ना, इतना तो सोचना चाहिए आप सभी को। मेरे पास बहुत सारे व्यूज के लिए टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन मैं उसको एक टॉपिक नहीं बनाना चाहती हूँ, मेरी लाइफ की चीज़ें हैं जो मुझे अच्छा लगता है तो मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, और जब मुझे लगता है, अब देखिए जैसे ये था कि हाँ बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही थी, घर में गई तो भी बातचीत हुआ कि हाँ हम आ रहे हैं ये चीज़ें होंगी, लेकिन अब अचानक से ऐसा हो गया तो फिर मैं यहाँ पर स्टॉप हो गई। अब जब फिर चीज़ें होंगी कि हाँ फिर मम्मी आएंगी, फिर उसके बाद क्या क्या होगा, तो फिर मैं वो चीज़ें आप सभी से शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिए, टॉपिक मेरे पास बहुत सारे, अगर मैं चाहूँ तो रोज मतलब 2 महीने 3 महीने कम पड़ जाएंगे टॉपिक उठाने में,
बहुत सारे टॉपिक हैं। जितने मेरे व्यूज़ आए हैं ना, वो जो यूट्यूबर होंगे उनको पता होगा, और मेरे साथ तो पता नहीं क्या है कि मेरे जो मेघा दीदी हैं उनसे भी शेयर करती हूँ कि दीदी मेरे इतने व्यूज़ आए, जिसपे मतलब अगर 30 आया, 40 के आया, 50 के व्यूज़ आए, व्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं बोलती हूँ कि दीदी मेरे इतने व्यूज़ तो आए हैं लेकिन डॉलर इतना कम बना हुआ है। तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कम बनता है। तो अभी तो वो दिन नहीं आया है कि लाखों कमा रही हूँ मैं, लेकिन आप सब चाहेंगे तो आ सकता है। सब कुछ तो आप सबके हाथ में है, आप सब देखते ही नहीं है वीडियो, नहीं तो फिर मे भी हो सकता है कि उतना भी आ जाता, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, लेकिन आप सबको देखना ही नहीं रहता है तो क्या करूँ बताइए। कल की ही वीडियो, कल नहीं परसों की वीडियो गई हुई है, आप सब ने खुद ही नहीं देखा। आप सब भी तो टॉपिक ही ढूंढते हैं ना कि कुछ ऐसा टॉपिक हो तब हम चले देखें, और नॉर्मल टॉपिक्स होते हैं तो आप सब देखते नहीं हैं, तो बताइए क्या करूँ मैं, है ना। आप सब देखिए और उसके बाद अपना आशीर्वाद दीजिए कि हाँ मैं भी लाखों कमाऊँ कोई दिक्कत नहीं है, व्यूज़ अच्छे आएँ और डॉलर अच्छे बने तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कमाने वाले तो यहाँ पे YT पे पता नहीं कितने कितने लाखों कमा रहे हैं, है ना। आप सबका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर, उम्मीद करती हूँ आंसर मिल गया होगा। और इसमें कोई मैंने लाखों रुपये नहीं कमाया है, ऐसा कुछ नहीं है, इस तरीके से मत सोचिए। जितने मेरे मैं कब मैंने कमाया था, जब मेरी वीडियो वायरल हुई थी तब। अगर ऐसे जिसकी सोचिए, अगर जिसकी मतलब 5 लाख भी इसके व्यूज़ आते हैं ना, वो भी आराम से कमा लेता होगा, लेकिन अभी पर वीडियो 5 लाख, और लगता है कि इतने कम में, 30 में, अभी तो क्या 17K ही तो आया, 30K 40K में इतना होगा या नहीं होगा। काम तो बहुत सारे थे आज, और जल्दी जल्दी मैंने सारा करके आप सभी को दिखाई दिया, दिन भर का रूटीन जो भी था, ऊपर से उसी में बाहर भी गई मैं, वो भी सब काम किया। सारी चीजें आपको बाद में पता चलेंगी समय आने पे, ठीक है। चलो अब एंड करें, लेकिन ऐसा लग रहा है यहाँ पे मैंने लिपस्टिक लगाया है। हाँ ये तो लग रहा है वाशु ने लिपस्टिक लगाया है भाई। मैंने नहीं लगाया, आपका भी ऐसे लग रहा है डार्क लिपस्टिक। हाँ मेरा भी ऐसा लग रहा है, लेकिन इस टाइम तो मैंने नहीं लगाया, खाना वाना खा लिया सुबह का ही था। चलो ठीक है एंड करें। हाँ चलिए, वीडियो पसंद आ जाए तो क्या कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो किया कीजिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव सभी में शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। और मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा दिया कीजिए। और भी मैं कुछ बोलने वाली थी, हाँ नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो या फिर कोई भी कम्युनिटी डालूं तो आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल पे जाएंगे, ऑल पे प्रेस करेंगे, और मेरी इंस्टा आईडी है नीवाशुस, जाकर के आप सभी वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मुझे और वाशु को, है ना। ठीक है ठीक है, चलिए और अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।